हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अनुप धीमान और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1, दैट इज केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, जिसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा जो है हमारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो नाउ स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। नाउ बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को लेकर। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच वाटर मॉलिक्यूल डिकम्पोजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इट मींस दैट ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वहां से ये वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो जाता है। क्लियर बात है? तो यहां पर हम लोग समझ में आता है हम लोगों को कि वाटर से अगर हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस हमें बनानी है तो हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के थ्रू बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, प्रॉपर एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी बाउल में पानी लेंगे और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए एक प्रॉपर हमें प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ता है। अभी बात कर लेते हैं उसी प्रोसेस के बारे में जिसके थ्रू हम वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करेंगे। क्लियर बात है? तो नाउ बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में। नाउ स्टूडेंट, बात कर लेते हैं हम लोग प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में। इट मींस दैट यहां पर हम लोग बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है वाटर का वो कैसे किया जाता है, इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की यूज किया जाता है और साथ ही उन इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कैसे अरेंज करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि ऐसा नहीं होता है कि किसी बाउल में पानी लो, आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो, वहां पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, टेक अ बीकर फिटेड विद इलेक्ट्रोड्स व्हिच आर कनेक्टेड विद अ ग्लास ट्यूब। तो सबसे पहले आप लोग को एक बीकर लेना है और बीकर के अंदर आपको दो इलेक्ट्रोड फिट करने हैं। इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट एंड ग्रेफाइट इज अ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। तो यहां पर ग्रेफाइट के क्या करने हैं, दो इलेक्ट्रोड लेने हैं आप लोगों को। अब क्या करना है, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, नेक्स्ट वन पॉइंट कहता है फिल द 1/3 ऑफ बीकर विद वाटर। अब आप लोगों को क्या करना है, इस बीकर को 1/3 आप 2/3 भी फिल कर दे, डजंट मैटर, आपको इसके अंदर वाटर फिल करना है। कहता है कनेक्ट द बैटरी, आप लोगों को यहां क्या करना है, जो इलेक्ट्रोड्स है उसको बैटरी से कनेक्ट करना है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, जिस इलेक्ट्रोड को आप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं वो एनोड होता है और जिसे आप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसको कैथोड कहते हैं। कैसे याद रखेंगे भाई, जो नेगेटिव से कन्वर्ट, नेगेटिव से कनेक्ट होगा वो कैथोड होगा, मतलब जिसकी स्पेलिंग में एन आएगा वो कैथोड से होगा। अब यहां पर देखो भी, और जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा वो आपका एनोड होगा। अब आप कभी नहीं भूलोगे, अब देखो एनोड में एन आता है लेकिन पॉजिटिव में नहीं आता, कैथोड में आता है लेकिन कैथोड में नहीं आता, मतलब नेगेटिव में आता है। तो जिसमें एन आता है नेगेटिव में वो तो कैथोड से कनेक्ट होता है, और जिसमें पॉजिटिव में एन कहीं नहीं आता स्पेलिंग में वो एनोड इसमें आता है। ठीक है भाई, तो ऐसे कनेक्ट होता है। तो इतनी बात तो समझ में आ गई। नेक्स्ट कहता है पास द इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑब्जर्व। अब आप लोगों को यहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है एंड देन ऑब्जर्व करना है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो सबसे पहले देखते हैं कैथोड पर क्या होगा। कैथोड में वाटर मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और साथ में आपके हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ये जो बबल्स आप लोग देख रहे हो ये हाइड्रोजन गैस के हैं, और साथ में मैंने आपको बताया कि यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे और हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं नेगेटिव। अब ये टर्मिनल भी नेगेटिव है और ये जो OH नेगेटिव है, ये जो OH नेगेटिव है ये भी क्या है, नेगेटिव भाई, आपका इलेक्ट्रोड भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे तो ये जो OH आयन है ये बढ़ने लगेंगे आपके एनोड की तरफ। क्लियर बात है, इनको एनोड अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे ही अगर हम कैथोड की एनोड की बात करें, सॉरी, तो एनोड पर क्या होता है, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, O2 4H पॉजिटिव बनते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इवॉल्व होते हैं। अब यहां पर O2 गैस इवॉल्व होती है,
एनोड पर O2 गैस इवॉल्व होती है, और यहां पर मैंने क्या कहा, एच पॉजिटिव आयन्स भी बनेंगे, और वो एच पॉजिटिव आयन आपके कैथोड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है, एच पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, तो OH आयन भागेंगे आपके एनोड की तरफ और एच पॉजिटिव आयन जाएंगे आपके कैथोड की तरफ। एनोड पर आपकी गैस कौन सी निकलेगी, ऑक्सीजन, और कैथोड पे कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन। क्लियर बात है? तो यहां पर ये प्रोसेस है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का। तो यहां पर आपको एक तो ये प्रोसेस याद रखना है, एक डायग्राम आपको प्रॉपरली आना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी कैथोड और एनोड पर कौन सी रिएक्शंस होती हैं। ये नेट रिएक्शन भी लिखी है हमने, वाटर मॉलिक्यूल में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाती है। नाउ स्टूडेंट, इस पर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं, अब उस क्वेश्चन के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्लियर है? नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, जो कि इलेक्ट्रोलिसिस को लेकर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर विच गैस इज इवॉल्व एट कैथोड, कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है। देखो उसका एक तरीका भी है हमारे पास, भाई कैथोड होता है नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव चीज भागती है, और हाइड्रोजन होता है पॉजिटिव, इसका मतलब कैथोड पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती होगी। नेक्स्ट वन, सेम क्वेश्चन है हमारे पास, विच गैस इज इवॉल्व एट एनोड। अभी एनोड की अगर मैं बात करूं तो भाई एनोड कैसा होता है, एनोड होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ हमेशा नेगेटिव चीज भागती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां पर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, यहां पर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। थर्ड वन बात करते हैं, व्हाई द वॉल्यूम ऑफ वन गैस इवॉल्व इज डबल द अदर, मतलब एक गैस जो इवॉल्व होती है वो दूसरे से डबल की होती है। अब देखो भाई, जो आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है H2, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पास दो तो हाइड्रोजन एटम होते हैं और एक होता है ऑक्सीजन एटम, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम कंटेन करता है, इसीलिए हाइड्रोजन गैस डबल निकलती है ऑक्सीजन के। तो लिखा है हमने सिंस वन मॉलिक्यूल लिखना चाहिए यहां पर हमें, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिमेन डबल देन द ऑक्सीजन गैस। क्लियर बात है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास, और वी कैन से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर बात है स्टूडेंट? तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी देन इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। नाउ स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में।